आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। कोलुआ जंगल में तेंदू पत्ता तोड़ने गए 3 लोगों पर जंगली सुअर ने किया हमला। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया से जिला चिकित्सालय सीधी किया गया रेफर। पुलिस चौकी सेमरिया अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब तेंदू पत्ता तोड़ने गए श्रमिकों पर वन सुअर ने हमला कर दिया, जहां आनन फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया लाया गया। जानकारी के मुताबिक जख्मी व्यक्ति गंगाकोरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे के करीबन गाँव के कई लोग कोलुआ जंगल के जंगल में रोजाना की तरह तेंदू पत्ता तोड़ने गए हुए थे, जहां झाड़ियों में छिपा हुआ जंगली सुअर ने हमला कर दिया। पास में 2 महिलाएं भी पत्ती तोड़ रही थी। महिलाएं जब चिल्लाना शुरू की तब उनके ऊपर भी जानलेवा हमला करते हुए कई जगह काट दिया, जिससे दोनों महिलाएं बुरी तरह से लहूलुहान हो गईं। आनन फानन पर तेंदू पत्ता तोड़ रहे श्रमिकों को बीच बचाव किया गाँव के लोगों द्वारा 108 वाहन को सूचना दी गई। 108 वाहन से जख्मी हुए रामवती साहू पति स्वर्गीय जगतधारी साहू उम्र 45 वर्ष निवासी मड़वा, आशा साहू पति रामसेवक साहू उम्र 46 वर्ष निवासी कथरिया पौड़ी, गंगा कोरी पिता राम गरीब कोरी उम्र 60 वर्ष निवासी करणपुर वेलदह को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया लाया गया, जहां दोनों महिलाओं की हालत बिगड़ती देखकर जिला चिकित्सालय सीधी के लिए रेफर कर दिया गया। रिपोर्ट मानिकलाल गुप्ता, RPKP इंडिया न्यूज, चुरहर सीधी मध्य प्रदेश। कहा नाम है अपना? अपना के नाम का? कौन से गांव क्या है?